तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं युवराज, आप सभी लोगों का मेरे चैनल व्हाट्स न्यू पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आपके पास Realme 7 Pro या फिर Realme 6 Pro डिवाइस है तो गाइस आपके लिए यहां पर एक अच्छी सी खबर है वो निकल के आ रही है। काफी टाइम से गाइस यहां पर Realme 7 Pro डिवाइस पर Realme UI 2.0 का बीटा टेस्टिंग है वो चल रहा था। कुछ लोगों को ही इसके अंदर एक्सेस मिला था, सभी लोगों के फोन के अंदर ये अपडेट नहीं आया था। सेम उसी तरीके से गाइस Realme 6 Pro डिवाइस के अंदर भी Realme UI 2.0 का अपडेट वो सभी लोगों को नहीं दिया गया था। पर गाइस फाइनली अभी जाके इन दोनों डिवाइस के लिए Realme UI 2.0 का अपडेट सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो चुका है। Realme के जो इंडिया के CEO है माधव सेठ, उन्होंने यहाँ पर ट्विटर पर ट्वीट करके बताया कि ये दो डिवाइस के लिए अभी Realme UI 2.0 का अपडेट है वो रोल्ड आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिवाइस है तो आप इसको डायरेक्टली अभी सेटिंग में जाके अबाउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बीटा टेस्टिंग के लिए अलग से पार्टिसिपेट वगैरह कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। तो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। तो गाइस पहले तो आपको ट्वीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके आपको इस ट्वीट को ओपन करना है। यहां पर गाइस आप देख सकते हैं दोनों का लिंक अलग अलग आपको दिया गया है। तो आपके पास अगर Realme 6 Pro डिवाइस है तो आपको पहला वाला लिंक, और आपके पास Realme 7 Pro है तो आपको दूसरा वाला लिंक है उसको ओपन कर लेना है। मैंने पहले से ही दोनों लिंक को यहाँ पर ओपन किया हुआ है। तो गाइस यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरा डिटेल वगैरह मिल जाएगा। अगर आपके पास Realme 6 Pro है तो आप इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर जितने भी चेंजेस आपको यहाँ पर Realme UI 1 से Realme UI 2.0 के अंदर मिलने वाला है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पर आके आप उसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर बात करें Realme 7 Pro की, तो यहाँ पर Realme 7 Pro का भी आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, क्या क्या आपको चेंजेस यहाँ पर मिलने वाला है, अलविजन डिस्प्ले आपको मिला है या फिर नहीं मिला है, दूसरे क्या फीचर आपको नए मिले हैं इसके अंदर, तो आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अभी गाइस अपडेट कैसे करना है, तो गाइस यहाँ पर अपडेट के रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। बस यहाँ पर कुछ आपको फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, कैसे आपको उसको डाउनग्रेड करना है वगैरह, तो मैं आपको बता देता हूँ। गाइस आपको यहाँ पर सेटिंग में जाके चेक कर लेना है। यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का अलग से एक टैब देखने को मिलता है, सेटिंग देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे फोन के अंदर अभी स्टेबल अपडेट Realme UI 2.0 का आ चुका है। तो इस तरीके से आपको इसको अपडेट कर लेना है। मैंने इसको पहले से ही बीटा अपडेट के अंदर जो वो अपडेट कर लिया था, तो यहाँ पर मेरे फोन के अंदर बीटा अपडेट शो कर रहा है। अगर आपने अभी तक इसको अपडेट नहीं किया था तो यहाँ पर आपको स्टेबल अपडेट Realme UI 2.0 का देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आपको सिंपली यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है और आपका फोन है वो Realme UI 2.0 के अंदर जो वो अपडेट हो जाएगा। अगर गाइस आपको डाउनग्रेड करना है तो ऑफिशियली आप डाउनग्रेड भी कर पाएंगे, उसके रिलेटेड यहाँ पर इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर आके आप उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डाउनग्रेड करने का लिंक भी दिया गया है। तो इनकेस अगर आपको Realme UI 2.0 के अंदर कोई बग देखने को मिल जाता है, प्रॉब्लम होता है, या फिर आपको वापस से Realme UI 1 के अंदर रोल बैक करना है तो आप उसको कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको ये दो लिंक के अंदर, दो पोस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यही न्यूज़ यहाँ पर Realme 7 Pro एंड Realme 6 Pro डिवाइस के लिए निकल के आ रही थी। अगर आपने अपना डिवाइस को अपडेट कर लिया है तो गाइस आपको Realme UI 2.0 कैसा लगा ये आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे गाइस अगर आपको अपडेट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, परेशानी आ रही है, तो आप मुझे कभी भी टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। अगर ऐसी बात है तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।